हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम और आज हम बात करेंगे कैपेसिटी कैलकुलेशन के बारे में कि हमारी कोई लाइन है या हमारी कोई मशीन है तो उसकी 12 घंटे या 24 घंटे की जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं उसमें कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, तो कैपेसिटी को मोस्टली कैलकुलेट करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो स्टेप बाय स्टेप हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस स्टेप को हमें कैसे सोल्व करना है और उसको हम कैसे सोल्यूशन करना है और कैसे हमारी कैपेसिटी कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है प्रोसेस नॉलेज का। तो प्रोसेस नॉलेज क्या है, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज कि हमें प्रोसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमारे एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है। सपोज करते हैं हमारा कोई एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसको कंप्लीट होने के लिए हमारे तीन स्टेप से निकलना पड़ता है। तो फर्स्ट ये है हमारा, सेकंड ये है और हमारा थर्ड हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को कंप्लीट होने के लिए एक बार में जो साइकिल यूज होती है या एक बार क्लिक होने का जो टाइम होता है, इसको क्लिक होने का जो टाइम है, तो जो ये टाइम है इसको हम साइकिल टाइम कहते हैं। सपोज करते हैं मेरी ए मशीन का ये साइकिल टाइम है 5 सेकंड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे मैं अपनी तीनों मशीनों का अलग अलग निकाल लेता हूँ, हमारी बी का आ गया जैसे सपोज करते हैं 6 सेकंड और हमारी सी का आ गया जैसे 7 सेकंड। ठीक है, तो थर्ड स्टेप फिर हमारा आता है नंबर टाइम ऑफ 100 पीसेस। अब हमारे एक पीस का साइकिल टाइम है 5 सेकंड, तो हमें उसके अकॉर्डिंग 100 पीस का साइकिल टाइम कैलकुलेट कर लेना है कि 100 पीस का कैसे आएगा। उसके बाद आता है मशीन रेटिंग फैक्टर। मशीन रेटिंग फैक्टर क्या है कि हमारी मशीन है जो उसका हम अपने अकॉर्डिंग रेटिंग देनी है कि वो कैसी है, नई है, पुरानी है, चलते वक्त कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर पावर कट हो रहा है, एयर प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर एक्स वाई जेड कोई भी इशू आ रहा है, तो हमारी मशीन का जो हमें रेटिंग फैक्टर यहाँ पे डिसाइड करना है। जैसे मैं अपनी मशीन को रेटिंग फैक्टर दे देता हूँ 100% कि मेरी मशीन 100% सही चल रही है। इसी तरह मेरे को तीनों मशीनों का अपना अलग अलग देना है कि मेरी ए मशीन का 100% है, मेरी बी मशीन का स्पोर्ट कर लेते हैं 90% है और सी मशीन का 70% है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है नॉर्मल टाइम। अब नॉर्मल टाइम क्या है, नॉर्मल टाइम क्या है, दिस इज द शॉर्टी ऑफ कि हमारे 100 पीस बनाने के लिए जो टाइम लग रहा है, 100 पीस बनाने के लिए और हमारे रेटिंग फैक्टर को इंक्लूड करने के बाद जो टाइम लगता है एक शॉर्टी का टाइम, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल टाइम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ 100 पीस साइकिल टाइम इनटू में रेटिंग फैक्टर कि हमारी मशीन का रेटिंग फैक्टर हमने क्या दिया है। तो सपोज करते हैं कि मैं ए मशीन का निकाल रहा हूं और हमारा 5 सेकंड साइकिल टाइम और 100 पीस के लिए मेरे को 500 सेकंड्स लगते हैं, तो हमारा 500 × 100% तो 500 सेकंड में मेरे 100 पीस निकलते हैं, ये मेरी शॉर्टी है और दिस इज माई नॉर्मल टाइम। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डाउन टाइम। ठीक है, अब डाउन टाइम क्या है, हमारी मशीन 24 घंटे में या फिर हमारी शिफ्ट के अकॉर्डिंग की, हमारी शिफ्ट के अकॉर्डिंग या हमारी वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग हमारी मशीन 24 घंटे या 12 घंटे में इसे कितने टाइम लगातार चल रही है और कितने टाइम, ठीक है, ड्यू टू यूटिलिटीज, लंच या फिर कोई भी एक्स वाई जेड रीजन है उसकी वजह से आइडल मोड पे है, तो जो वो टाइम होता है हम उसको आइडल टाइम बोलते हैं, उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज करते हैं कि मेरी ए मशीन का आइडल टाइम है 25% और मेरी बी मशीन का मैंने निकाला है वो आ गया मेरा 30% और मेरी सी मशीन का आ गया 10%। ठीक है, उसके बाद डाउन टाइम इन मिनट, मेरे को जो मैंने ये टाइम कैलकुलेट परसेंटेज में किया है ये मेरे 24 घंटे में कितने परसेंट है जो वो कितने मिनट बन रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं मैंने निकाल दिया ये मेरा मिनट में बन रहा है 50 मिनट, ये बन रहा है मेरा इसके हिसाब से बन रहा है मेरे 40 मिनट और इसके हिसाब से बन रहा है मेरा 35 मिनट। ठीक है,
उसके बाद कैपेसिटी ऑन 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी पे हम अपनी लाइन की या अपनी मशीन की कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या हम फॉर्मूला सेट करेंगे, 24 आवर्स वर्किंग आवर्स इनटू में 100, क्योंकि हम 100 पीस का कर रहे हैं, डिवाइड बाय, मैंने बोला नॉर्मल टाइम, व्हाट इज द नॉर्मल टाइम द शॉर्टी कि हमारे 100 पीस हमारे 500 सेकंड में ही निकलेंगे, तो शॉर्टी ऑफ नॉर्मल टाइम 500 सेकंड्स, और हमारी स्पोज पर हमारे पास एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1, 2, 3 हमारे 3 स्टेप है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमारी 3 मशीनें हैं, एक ही तरह की हमारे 3 मशीनें हैं, और हमारा जो बी स्टेप है उसमें एक ही तरह की हमारी 6 मशीनें हैं, और हमारा सी जो स्टेप है उसमें एक ही तरह की जैसे 2 मशीनें हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारे एक एक करते हैं स्टेप लिए, तो हमारे पास है 3 मशीनें, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हम सपोज करते हैं, जैसे मैंने फॉर्मूला पुट किया कि जो मेरी एफिशिएंसी आई है वो आ गई है 10,000 पीसेस, मतलब 24 घंटे में 100% एफिशिएंसी पे मेरी जो लाइन है या मेरी मशीन की जो कैपेसिटी है वो है 10,000 पीस की, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप, कैपेसिटी इन मिनट ऑन 100% एफिशिएंसी, मेरी टोटल कैपेसिटी 10,000 पीस की है, तो मेरे को उसके हिसाब से अपनी एक मिनट की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है कि 24 घंटे में अगर मेरे 10,000 पीस बन रहे हैं तो मेरे एक मिनट में कितने पीस बनेंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं कि मेरे 10,000 एक मिनट में मेरे पीस आ गए 100, ठीक है। अब प्रोडक्शन लॉस ड्यू टू डाउन टाइम, ठीक है, ये क्या है कि जो डाउन टाइम हमने निकाला है मशीन का, डाउन टाइम हमने निकाला 25%, 25% मशीन अगर मेरी आइडल मोड पे रहती है तो उसकी वजह से मेरा कितना प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, उसकी वजह से अगर वो मशीन आइडल टाइम पे ना रहती तो मेरा कितना प्रोडक्शन हो सकता था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन लॉस ड्यू टू डाउन टाइम, ठीक है। अब मेरा एक मिनट का प्रोडक्शन है 100 पीस, ठीक है, और मेरे मिनट है, डाउन टाइम के मिनट है मेरे 50, तो मेरा डाउन टाइम का जो प्रोडक्शन लॉस आ गया 100 × 50 5,000 पीस, मतलब डाउन टाइम की वजह से 100% एफिशिएंसी पे मेरे 5,000 पीस का लॉस हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके हमें बी मशीन सी मशीन सबका अलग अलग करके निकाल देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कैपेसिटी आफ्टर अलाउंस, कैपेसिटी आफ्टर अलाउंस क्या है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट कि हमारा 24 घंटे में हमारा कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई मशीन चल रही है, कोई लाइन चल रही है, तो उसकी ये हमारी कैपेसिटी आ जाएगी कि ये शॉर्टी आ गई कि हमारी मशीन 24 घंटे में हमारे अलाउंस हटाने के बाद, हमारे डाउन टाइम निकालने के बाद हमारी मशीन हमारा ये प्रोडक्शन देगी। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा कैपेसिटी ऑन 100%, जैसे हमारी कैपेसिटी आएगी 10,000 पीसेस माइनस हमारा प्रोडक्शन लॉस कितना है डाउन टाइम की वजह से 5,000 पीसेस, तो इक्वल टू 500।